Hi everyone, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे आपको स्प्रिंग स्किल चैलेंज मिलने वाला है. इसके अंडर आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने का मौका दिया जा रहा है. बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पे कोर्सेज कंटेंट मिलेगा. साथ में अगर कोर्सेज को आप कंप्लीट कर लेते हैं, चैलेंज कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री सर्टिफिकेशन मिल सकती हैं, जो कि एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन रहेंगी और आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने रेज्यूमे के अंदर. सो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है आपके पास नए स्किल्स सीखने का. इसके साथ साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ गुडीज भी ऑफर की जा रही हैं, जो कि चैलेंज कंप्लीट करने के बाद आपको मिल सकती हैं. सो पूरी डिटेल्स वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह की कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, कैसे गुडी आपको यहाँ पर मिल सकती है, गुडी बैग्स के अंदर क्या क्या अवार्ड्स आपके लिए होंगे, सो उसकी डिटेल्स हम वीडियो के अंदर लेंगे. बाकी अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म की तरफ. हम चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको स्प्रिंग स्किल चैलेंज के बारे में पता चल सकता है. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यू कैन गेट रिवॉर्डेड फॉर गेनिंग टेक स्किल्स एंड फ्री सर्टिफिकेशन एट दिस माइक्रोसॉफ्ट स्प्रिंग स्किल चैलेंज. इसके अंदर इनका मेन मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स को एक टेक स्किल्स प्रोवाइड किए जाए और उन टेक स्किल्स को गेन करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही सर्टिफाई किया जाए और यहाँ पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये बैकपैक पूरा बंच आपको यहाँ पे मिल सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस माइक्रोसॉफ्ट स्प्रिंग स्किल चैलेंज. सो इसके अंदर क्या होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लर्निंग पाथ दिया जाने वाला है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं. जिनकी लिस्ट नीचे मेंशन की गई है, उनमें से आप कोई भी लर्निंग पाथ चूज कर सकते हैं. एक बार लर्निंग पाथ अपना कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कुछ मॉड्यूल्स होंगे. मॉड्यूल्स भी ऐसा नहीं है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे ही कंप्लीट करने हैं. इट इज़ अ सेल्फ पेस्ड, आप अपनी पेस पे कंप्लीट कर सकते हैं. एक बार जैसे आपका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी यहाँ पे जो है वो आपको सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स मिलने वाले हैं. सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. वो भी मैं बताऊँगी किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है. एक बार आपकी ये दोनों चीज़ें कम्प्लीट हो जाती है, आपका ये स्प्रिंग स्किल चैलेंज कम्प्लीट हो जाएगा. आफ्टर वर्ड्स यू कैन अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन एंड आप यहाँ पे अपने रिवॉर्ड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस रहेगा. सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको स्किल अवार्ड मिलने वाला है. एक कूल ब्रांडेड बैकपैक मिल सकता है, जो कि आपके एड्रेस पे आपको सेंड कर दिया जाएगा वंस यू आर कंप्लीटेड विद दिस चैलेंज. सो अब बात करते हैं कौन कौन से एरिया में आपको यहाँ पे कौन कौन सी डोमेन्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं लर्निंग पाथ के लिए. फर्स्ट है हमारे पास एज्योर फंडामेंटल्स का, सेकंड है हमारे पास एज्योर एआई फंडामेंटल्स का, थर्ड है हमारे पास एज्योर डेटा फंडामेंटल्स का, फोर्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर प्लेटफॉर्म फंडामेंटल्स का है, और फिफ्थ है हमारे पास सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस फंडामेंटल्स का. सो ये पाँच सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लर्निंग कॉन्टेंट भी मिल जाएगा और साथ साथ में आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स होते हैं इनके ही, वो आपको बिल्कुल फ्री में करने का मौका दिया जाएगा. सो एक एक करके हम स्टेप्स एक्सप्लोर करेंगे. उससे पहले बाकी की डिटेल्स ले लेते हैं, क्यों आपको ये चैलेंज ज्वाइन करना चाहिए. बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ कुछ दिनों में ऐसे इनोवेटिव चैलेंजेस निकल के आते रहते हैं, जिससे आपको मौका दिया जाता है कुछ नए स्किल्स सीखने का और इनकी तरफ से एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन गेन करने का, जो कि बहुत ही एक वैल्यू रखती है अगर आप जॉब पर्पज़ के अकॉर्डिंग उन्हें देखें तो. अब कैसे आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं आपको यहाँ पे लॉगिन साइनअप का प्रोसेस अपना कंप्लीट करना होगा. अपना जो लर्निंग कंटेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं. लर्निंग कंटेंट कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. एक बार सर्टिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं. सो बहुत ही ईजी सा प्रोसेस रहेगा. एक एक करके हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे. उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम जो देना है उसके लिए भी आपको कोई कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है. आपको 100% डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है फॉर द एग्ज़ाम. बट ये सिर्फ ओपन रहेगा मार्च 21 से लेके अप्रैल 30 के बीच में. सो ये इसकी टाइम लिमिट है. आप 30 अप्रैल से पहले पहले इस स्किल चैलेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सिर्फ 500 वैलिड सर्टिफिकेशन रिस्पॉन्सेज होने वाले हैं फरवरी 1 से लेके 30th अप्रैल तक, मतलब बैकपैक के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ 500 लोगों को एंट्रीज मिलेंगी। सो आपको अप्लाई करना होगा 1 फरवरी से लेके अप्रैल 30th के बीच में। अभी आपके पास टाइम है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी जितनी जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। सो ये है सारी डिटेल्स, बाकी की आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स मेंशन करके रखी हुई हैं। हम चलेंगे एक एक करके सारे स्टेप्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, एज्योर फंडामेंटल क्लाउड स्किल चैलेंज के ऊपर चलते हैं। आप कोई भी स्किल चैलेंज यहाँ से पिकअप कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैलेंज जो है अभी के लिए आपके पास, इस चैलेंज के लिए 6 दिन बाकी रह गए हैं, आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। चैलेंज एक्टिव था जनवरी 24 से लेके अब 31 मार्च तक चलने वाला है। इस चैलेंज के अंदर क्या होगा वो मैं बताऊंगी, उससे पहले आप देख सकते हैं इस चैलेंज के अंदर आपको कुछ कंटेंट ऐसा मिलेगा जो कि आपको कंप्लीट करना होगा अपने पेज पे। एक बार कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपके भी नाम इस तरह से लीडर बोर्ड के अंदर आ सकता है, कितने मॉड्यूल्स आपने कंप्लीट किए हैं और आपका इस तरह से लीडर बोर्ड में जो है वो रजिस्ट्रेशन हो सकती है। लास्ट में आपको FAQ सेक्शन में मिल जाएगा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो सकते हैं। एक बार जैसे ही आप ज्वाइन द चैलेंज पे क्लिक कर देंगे आपके पास जो है यहाँ पे लॉगिन साइनअप का प्रोसेस आएगा पहले। सो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा, अगर ऑलरेडी अकाउंट है सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आप लॉगिन साइनअप प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा आपके पास स्टार्ट लर्निंग का। क्लिक करते ही आपके पास लर्निंग कॉन्टेंट आपका आने वाला है। इस लर्निंग कॉन्टेंट को आप 1 by 1 कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ मॉड्यूल्स आपके पास दिए गए हैं वो आपको एक एक करके यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। लर्निंग्स एक बार जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यू हैव टू रजिस्टर फॉर द माइक्रोसॉफ्ट Azure वर्चुअल ट्रेनिंग डे फंडामेंटल कोर्स। सो इस पे आप क्लिक करेंगे आप कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाले हैं जहां पे आप इस ट्रेनिंग डेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इस पे हम वीडियोस ऑलरेडी बनाते रहते हैं, आपको पता ही है, Azure की हो, चाहे पावर प्लेटफॉर्म की हो, सिक्योरिटी की हो, डेटा की हो, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो भी वर्चुअल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनके बारे में वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। सो सेम ही प्रोसेस है, उसमें भी आपको यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन ही करनी है। कुछ ट्रेनिंग इवेंट्स यहाँ पे होने वाले, आप देख सकते हैं 4 ट्रेनिंग इवेंट्स माइक्रोसॉफ्ट Azure के हो सकते हैं। एक आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए जब आप फ्री हो, उस पर क्लिक कर दीजिए। लिंक पे क्लिक करते ही आप कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस तरह का कंटेंट आपको इसके अंदर मिल सकता है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे आपका पूरा स्केड्यूल चलने वाला है। इस ट्रेनिंग इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड Azure फंडामेंटल्स की सर्टिफिकेशन जो है वो बिल्कुल फ्री में मिल सकती है। कैसे, क्योंकि आप ट्रेनिंग इवेंट जब भी अटेंड करते हैं एट दी एंड आपको कूपन दिए जाते हैं जिसकी हेल्प से आप ये $99 की जो कॉस्ट है ये बिल्कुल नील कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। सो ये है आपका सेकेंड स्टेप जिसके अंदर आपको इस वर्चुअल ट्रेनिंग डे के लिए अप्लाई करना है। लास्ट में आप देख सकते हैं थर्ड है हमारे पास स्केड्यूल एंड पास AZ 900 एग्ज़ाम विद 100% डिस्काउंट। सो ये थर्ड आपका स्टेप जो कि आपको कंप्लीट करना है स्किल चैलेंज के अंदर, करते ही आपका ये कंप्लीट Azure फंडामेंटल्स का स्किल चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। सो तीन स्टेप्स हैं, तीन स्टेप्स बहुत ईजी हैं। पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद वर्चुअल ट्रेनिंग डे के लिए अप्लाई कीजिए, उसको अटेंड करके उसका कूपन कोड लीजिए, कूपन कोड लेने के बाद अपना एग्ज़ाम स्केड्यूल कीजिए और पास कीजिए विद 100% डिस्काउंट। सो ये है तीन स्टेप जो कि आपके इस स्प्रिंग स्किल चैलेंज के अंदर रखे गए हैं, कंप्लीट करते ही आप बैकपैक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप जैसे ही तीनों स्टेप अपने कंप्लीट कर लेंगे, आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे आपके पास जो है वो ईमेल आईडी दी गई है springchallenge@microsoft.com, इस पे आपको मेल डाल देनी है। सो ये है कंप्लीट आपका प्रोसेस इस स्प्रिंग स्किल चैलेंज का। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपनी सजेशंस मुझे दे सकते हैं, कोई डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, पसंद आई हो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।